उत्तर प्रदेश के मंडला में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार पुलिस गश्ती कर रही है और मध्य प्रदेश में भी लगातार ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस लगातार सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने अब सख्ती बढ़ा दी है। मंडला पुलिस ने ऐसे बेवजह घूमने वालों को पकड़कर उनका कोरोना टेस्ट किया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लोगों का सैंपल टेस्ट लेने के बाद उन्हें घर पर ही रहना चाहिए, लेकिन लोग इस दौरान घर से निकलते हैं और जब तक उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है वो कई लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। आपको बता दें कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इस तरह का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं लोगों को जागरूक करने पुलिस ने नाट्य रूपांतरण किया है, जिसमें पुलिस कर्मी ही बेवजह घूमने वाले लोग बने और पुलिस ने ही उन्हें बलपूर्वक पकड़कर उनका सैंपल करवाया। सैंपलिंग कैंप है, RT-PCR और रैट दोनों प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि मतलब कोरोना सैंपलिंग के द्वारा कोरोना में अगर किसी को कोई पॉजिटिविटी अगर होती है और हमारा फील्ड क्लीन हो जाएगा कोरोना से, कोरोना संक्रमण से। इस कारण से हम यहां पर सैंपलिंग कैंप लगे हुए हैं। ये आज ऐसा क्यों इसी जगह पे अपन को हर जगह कर रहे हैं, हर जगह गांव-गांव भी कर रहे हैं और जगह जगह अलग अलग प्लेसों में भी हम लोग ये सैंपलिंग कर रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए कि किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। कितने लोगों का अभी तक सैंपल लिया गया है? ये अभी 20-25 लोगों का हो चुका है और आते जा रहे हैं और सबका सैंपलिंग होते। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।